नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश गौतम और आप देख रहे हैं ट्रिपल बी ओवरसीज। दोस्तों अभी हमारे पास में कुवैत की चार पांच कंपनियों की रिक्वायरमेंट है और वो रिक्वायरमेंट का जो मिक्स प्रोफाइल है वो मैं आपको शेयर करता हूं। मैं इसमें सैलरी रेंज और बाकी फैसिलिटीज़ क्या क्या होगी और क्या क्या पोजिशंस है वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ। ये जो कंपनी है, कंपनी ऑयल एंड गैस में है, कंस्ट्रक्शन में है और कुछ रेस्टोरेंट के लिए है। रिक्वायरमेंट कॉमन है क्योंकि मैं इसमें एक ही बार में सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो जो भी प्रोफाइल्स प्रोसेस होंगी उनका प्रोसेसिंग टाइम, वीज़ा प्रोसेस, फ्लाई वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा, इसलिए मैंने ये वीडियो कम्बाइंड बनाया हुआ है। इसमें जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट टोटल 27 पोजिशंस की है और इसके बारे में आपको डिटेल में बताता हूँ। वैसे तो रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, जैसे हमने क्लब की कुछ प्रोफाइल्स क्लब में करके देखेंगे तो लगभग 40 के लगभग की रिक्वायरमेंट है, बट मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमें रिक्वायरमेंट है डेटा एंट्री ऑपरेटर की। डेटा एंट्री ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 180 से 200 के डी होगी। अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है सैलरी 180 से 250 के डी होगी। एसी टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 के डी होगी। ऑल ऑपरेटर में चाहे वो जेसीबी ऑपरेटर, फोरक्लिफ्ट ऑपरेटर या फिर पोकलिन ऑपरेटर, रोलर ऑपरेटर, जितने भी ऑपरेटर्स की रिक्वायरमेंट है वो सैलरी होगी इसमें 190 से 220 के डी के बीच में होगी। ऑल ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट, इसमें जो एक्सपीरियंस और गल्फ एक्सपीरियंस, इंडियन एक्सपीरियंस दोनों मैटर करेगा, उस हिसाब से सैलरी डिसाइड होगी। कारपेंटर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 165 के डी के बीच में होगी। कारपेंटर की सैलरी 150 से 165 के बीच में होगी। डक्टमैन की रिक्वायरमेंट है सैलरी 130 से 150 के डी के बीच में होगी। इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रीशियन की रिक्वायरमेंट सैलरी 150 से 165 के डी के बीच में होगी। फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट है 150 से 165 होगी सैलरी। फैब्रिकेटर की रिक्वायरमेंट इसमें सैलरी होगी 150 से 165 के डी। फोरमैन की रिक्वायरमेंट है सैलरी 180 से 200 के डी होगी। जनरल हेल्पर की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी 110 से 120 के डी होगी। हेल्पर, जनरल हेल्पर की सैलरी 110 से 120 के डी होगी। ग्राइंडर की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी 150 से 165 के डी होगी। हैवी ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है जिसमें सैलरी 140 से 180 के डी होगी। हेल्पर की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी ऑलरेडी, सैलरी 110 से 120 के डी। लाइट ड्राइवर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 110 से 140 के डी होगी। मेसन की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 170 के डी होगी। ऑफिस बॉय की रिक्वायरमेंट है सैलरी 110 से 140 के डी होगी। प्लम्बर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 155 के डी होगी। पेंटर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 130 से 155 के डी होगी। पाइप फिटर की रिक्वायरमेंट है 150 से 165 के बीच में होगी। पाइप फिटर 150 से 160 के बीच में होगी। रिगर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 140 से 165 के डी होगी। स्कैफोल्डर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 120 से 160 के डी होगी। सिक्योरिटी गार्ड की रिक्वायरमेंट है 140 से 180 के डी होगी। स्टील फिक्सर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 165 के डी होगी। स्टोर कीपर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 165 के डी होगी। सुपरवाइजर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 170 से 210 के डी होगी। टाइम कीपर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 165 के डी होगी। वेंडर की रिक्वायरमेंट है सैलरी 150 से 170 के डी होगी। दोस्तों इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स हैं, वैकेंसी ह्यूज क्वांटिटी में है क्योंकि 5-6 कंपनीज के लिए रिक्वायरमेंट है, कम से कम 4-5 कंपनी में तो है ही रिक्वायरमेंट। तो मोर देन 1000, 1000 से ज़्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट, इसको हम स्लॉट में भेजेंगे, 50-50 करके भेजेंगे। और उसमें जो वीज़ा प्रोसेसिंग है, जो अभी जो अप्लाई करेंगे उनका दिसंबर में अप्लाई होगा और इसके बाद जो विद इन अ वीक करेंगे उनका दिसंबर में हो जाएगा, उसके बाद करेंगे उनका जनवरी में अप्लाई होगा। सैलरी जो होगी वो 8 घंटे के लिए होगी, 8 घंटे के ऊपर ओवरटाइम मिलेगा। इसमें फूड, एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से मिलेगी और जो वर्किंग आवर्स होंगे वो 8 घंटे होंगे, 26 दिन काम करना होगा और 2 ईयर का प्रोजेक्ट है। 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा मिलेगा, 2 साल में 22 महीने के बाद में 2 महीने की छुट्टी मिलेगी और रिटर्न टिकट भी मिलेगी, कंपनी की तरफ से मिलेगा। वीज़ा होगा वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होगा, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा स्टिकर वाला वीज़ा होगा और ये वीज़ा जो होगा वो 2 ईयर की वैलिडिटी वाला होगा जिसमें स्टिकर वगैरह लग के आएगा, कम्प्लीटली होगा। और इसमें जो प्रोसेस है, प्रोसेस कैसे होगी, सीवी सिलेक्शन के थ्रू होगी और प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाई स्टेप बताता हूँ। आप अपने डॉक्यूमेंट भेजेंगे, डॉक्यूमेंट में आपको पासपोर्ट का फ्रंट एंड बैक कलर स्कैन कॉपी भेजेंगे, पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर स्कैन कॉपी भेजेंगे, रेज्यूमे भेजेंगे, इसके अलावा आप 10th 12th डिग्री या जो भी आपकी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स होंगे वो भेजेंगे और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहीं पर आपका सिलेक्शन हो, ऑफर लेटर और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अपॉइंटमेंट लेटर, सैलरी स्लिप
जो भी आपके पास में प्रमाण है कि आपने कहीं पे काम किया वो आप सर्टिफिकेट्स भेजेंगे। इन सभी डॉक्यूमेंट को आप हमें ईमेल आईडी पर भेजेंगे vimlesh.gautam@bbboverseas। मैं रिपीट कर देता हूँ, ईमेल आईडी है vimlesh.gautam@bbboverseas.com। इस पर आप हमें ईमेल कीजिए सभी डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट लाइन जरूर लिखना एप्लीकेशन फॉर कुवैत और अपनी पोजीशन का नाम लिखना, जैसे इलेक्ट्रिशियन तो एप्लीकेशन फॉर इलेक्ट्रिशियन प्रोफाइल फॉर कुवैत, ऐसा लिख के आप हमें ईमेल कीजिए और हमें हमारे नंबर पर एक व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिए कि हमने आपको ईमेल किया है। हमारी टीम एक बार ईमेल चेक करके आपको रिवर्ट बैक करेगी। और हमारा जो कॉलिंग नंबर है, अभी आप हमारे नंबर पर कॉन्टेक्ट करेंगे, नंबर है 9993187936। मैं रिपीट करता हूँ, मेरा नंबर है कॉन्टेक्ट नंबर 9993187936। इस नंबर पर आप हमें कॉलिंग कीजिए सोमवार से शनिवार के बीच में। वैसे कल तो मैं अवेलेबल रहूँ, कल का दिन वर्किंग में है, आप हमें कल भी कॉल कर सकते हैं। इसमें टाइमिंग रहेगा वो 10 से 7 के बीच में रहेगा, 10 टू 7 के बीच में आप हमें कॉल कीजिए। आप मुझे एक या दो बार कॉल कीजिए, इनकेस अगर मैं बिजी रहा तो मैं इमीजिएटली कॉल पिक नहीं करूँगा, लेकिन आपको एक मैसेज आ जाएगा या फिर आप भी मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आप अपना पूरा नाम और किस कंसर्न आप मुझे कॉल कर रहे हैं, हमारी तरफ से आपको कॉल बैक जरूर आ जाएगा। हम आपको कॉल करके आपका प्रोफाइल प्रोसेस कर देंगे, लेकिन आपसे निवेदन ये है कि आप मुझे अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट भेजने के बाद मैसेज जरूर करें, जिससे कि हम प्रोसेस में थोड़ा फास्ट कर पाएंगे और आपको आपका जो कॉल है वो आंसर्ड हो या बाद में हमारी तरफ से कॉल बैक हो। दोस्तों हमारे पास काफ़ी वॉल्यूम में एप्लीकेशंस आते हैं तो कभी कभी समय लग जाता है रिप्लाई करने में, इसलिए आप प्रोसेस में थोड़ा धैर्य रखें। हमारी तरफ से आपको रिस्पांस जरूर मिलेगा, थोड़ा समय लग सकता है, कभी कभी 3 to 5 days या 1 week का समय लग सकता है, लेकिन आपको रिस्पांस श्योर मिलेगा, ये कन्फर्म है, ठीक ना। आप हमारे साथ में कॉपरेट कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट आप भेजिए। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो आप हमें डॉक्यूमेंट भेज दीजिए, अगर आपके दोस्त वगैरह इंटरेस्ट है तो ये वीडियो को उनके साथ में शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट काफ़ी क्वांटिटी में है और ये लॉन्ग टाइम चलने वाला प्रोजेक्ट है, लगभग 1 से 1.5 महीना प्रोजेक्ट चलेगा, जिसमें अलग अलग बैच में अलग अलग टाइप के लोग जाएंगे और सभी का प्रोसेसिंग टाइम लगभग सेम रहेगा। नियर अबाउट 60 days के अंदर होल प्रोसेस कम्प्लीट हो जाएगी, जिस दिन से अप्लाई करेंगे उस दिन से 60 days के अंदर बंदा अप्लाई कर जाएगा। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे वीडियोस को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कराएं, क्योंकि आप अगर घंटी वाला ऑप्शन नहीं दबाएंगे तो फिर आपको अपडेट्स नहीं मिलेंगे। हमें कई लोगों की शिकायत मिलती है कि वो बोलते हैं हमें आपके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो उन्होंने या तो नोटिफिकेशन वाला बटन ऑफ करके रखा होता है या फिर उन्होंने मतलब घंटी वाला ऑप्शन क्लिक नहीं किया होता, तो आप लोग घंटी वाला ऑप्शन ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर आपको कुछ नए वीडियो चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आगे उन पर भी वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद।